पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया। संगठन में बदलाव ये किया कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खाली हो गई और उनके जगह पर बिहार सरकार के मंत्री और MLC दिलीप जायसवाल को उनकी कुर्सी पर बैठा दिया। अब दिलीप जायसवाल के कुर्सी पर बैठते ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या संगठन में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत करने की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को मिल गई है। और जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, बिहार भाजपा का सबसे पहला काम वो करते हैं जो 2024 में सम्राट चौधरी नहीं कर पाए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार का जो विंग्स था वो नहीं कर पाया। आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जो मल्लाहों के एक बड़े वोट बैंक माने जाते हैं, मल्लाहों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो 2024 में NDA गठबंधन से अलग हो गए थे। मुकेश सहनी की डिमांड पूरी नहीं हो पाई, मुकेश सहनी को मनाया भी नहीं किसी ने। मुकेश सहनी जब NDA से अलग हो गए तब आपने देखा कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत ही कम मार्जिन से हो पाई है। ये कहीं ना कहीं जो मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक था, जो वोट बैंक खिसक गया था मुकेश सहनी की वजह से, इसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही थी और उन दरारों को भरना अब 2025 चुनाव से पहले BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हाथों में आ गया है। और आप देखिए, सबसे पहला उन्होंने काम वही किया है, मुकेश सहनी के पिता जिनकी हत्या कर दी गई थी बीते दिनों, उनके जो अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, श्राद्ध क्रम आप मान लीजिए, उसमें वो पहुँचे हुए हैं, सांत्वना देने के लिए पहुँचे हुए हैं। सम्राट चौधरी भी साथ में हैं और दिलीप जायसवाल जिस तरीके से मुकेश सहनी से बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बातें हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, कई दिग्गज जब राजनीति के एक साथ जुड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सामाजिक बात हो रहा हो, ऐसा तो है नहीं कि उनके पिता की भले ही कैसे हत्या हो गई, बढ़ते अपराध पर चर्चा तो हो ही रहा हो, राजनीति की बात ना हो, पार्टी की बात ना हो, संगठन का बात ना हो, 2024 के बाद 2025 के चुनाव की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुकेश सहनी की एंट्री लगभग भाजपा में तय मानी जा रही है 2025 चुनाव से पहले। सम्राट चौधरी के साथ साथ आपको बता दें कि वहाँ पर दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और मुकेश सहनी की एंट्री जिस तरीके से वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये तस्वीर अपने आप में बेहद ख़ास है। मल्लाहों को एकजुट करने की एक बड़ी रणनीति दिलीप जायसवाल के पास है, क्योंकि ये उनका वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से वो आते हैं, सीमांचल पे एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। और इस बार 2024 लोकसभा में आपने देखा होगा कि सीमांचल की सीटों पर डैमेज NDA गठबंधन बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए BJP ने बड़ी चाल चली है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं, पहुँच करके मुकेश सहनी से बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बातें सम्राट चौधरी के द्वारा, दिलीप जायसवाल के द्वारा किया गया है, उन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, लोगों पीछे करो, लोगों पीछे करो, ऐसी करो, मोबाइल पीछे करो ना, सर भैया समस्तीपुर में
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।